नमस्कार दोस्तों, 9 स्टेट्स में इलेक्शन होने हैं। इनमें MP, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, इनमें कहीं पर BJP की सरकार है तो कहीं पर कांग्रेस की। सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने हिसाब से कैंपेन में लग चुकी हैं। इनमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, BJP जो कि कंट्री की सबसे बड़ी उभरी हुई पार्टियों में से एक है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन कराने की डेट जारी कर दी है। क्या कारण हो सकते हैं इन इलेक्शन के पीछे, आइए आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। वंदे इनकलाब, इनकलाब। सरकार में होने के बावजूद BJP के वार्ड शेयर में वृद्धि हुई है। जहां कोई भूखा नहीं सोएगा, एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां पे अमीरों और गरीबों के बच्चे को एक जैसी अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलेगी। ज्यादातर लोग जो BJP के खिलाफ हैं, वो कहते हैं कि रिलीजियस पोलराइजेशन नंबर 1 प्रोपोगेंडा है चुनाव जीतने के लिए। कैसे भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर्स धर्म को लेकर राजनीति कर रहे थे, एक बड़े स्केल पर मेजोरिटी अपीयसमेंट करी जा रही थी। मेरी राय में इसमें कोई डाउट नहीं है कि BJP ने ऐसा नहीं किया हो, या फिर किसी एक्ट में चेंजिंग करके सांप्रदायिक दंगा भड़काकर माहौल क्रिएट करना, जो नए नागरिकता कानून के खिलाफ हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये रिलीजियस पोलराइजेशन ना करी जाए तो क्या BJP इन इलेक्शन में हार जाएगी? मेरी राय में इस सवाल का जवाब ना ही है, क्योंकि यहाँ पर रिलीजियस पोलराइजेशन इतना बड़ा फैक्टर नहीं है जितना कुछ लोग समझते हैं। आज के दिन किसी भी पार्टी को कोई स्टेट इलेक्शन जीतनी है तो एक स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर का चेहरा होना एक बहुत जरूरी बन जाता है। राजस्थान में कांग्रेस के पास इसके लिए 2 चेहरे हैं, पहला सचिन पायलट, दूसरा अशोक गहलोत। जिस पार्टी के पास CM फेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उस पार्टी के ज़्यादा चांस होते हैं इलेक्शन जीतने के। और पार्टी का मैनेजमेंट भी इस पर निर्भर करता है कि पार्टी अपने मैनेजमेंट के द्वारा MLAs को बहलाने फुसलाने में कितनी कामयाब होती है। राजस्थान विधानसभा इलेक्शन 2023 में कांग्रेस पार्टी के सभी लीडर मुख्यमंत्री बनने की होड़ में बिखर चुके हैं। ऐसे में देखना है कि आलाकमान पार्टी को टूटने से रोक पाएगी या नहीं। ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा रिस्क भी बन सकता है, क्योंकि विपक्ष पार्टियां इसका भरपूर फायदा उठा रही हैं। राजस्थान की सियासत में एक बड़ी परंपरा लंबे समय से चली आ रही है कि एक बार कांग्रेस और दूसरी बार BJP का शासन देखने को मिलता है। इस विधानसभा इलेक्शन रिजल्ट में देखते हैं कि ये परंपरा टूट पाती है या नहीं। विधानसभा इलेक्शन में अगला बड़ा पॉइंट आता है गोदी मीडिया का प्रोपोगंडा। सही सुना आपने, इसे कैसे इग्नोर किया जा सकता है? BJP की हर जीत के पीछे कुछ ना कुछ क्रेडिट हमेशा गोदी मीडिया को मिलना चाहिए। इसके मैं आपको अनगिनत एग्जाम्पल सुना सकता हूँ। दुनिया में, देश में जो कुछ भी होता है, गोदी मीडिया वहाँ पर मोदी योगी का चेहरा आगे कर देता है। देश में कोरोना की लहर आई, वैक्सीन बांटी जा रही है, थैंक यू मोदी जी। स्टूडेंट्स को एग्जाम में लिखने में दिक्कत हो रही है, एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया, थैंक यू मोदी जी। यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, वहाँ पर भी थैंक यू मोदी जी। पूरे देश या दुनिया में कुछ भी हो, वहाँ पर मोदी जी सामने आकर खड़े हो जाते हैं मीडिया के अकॉर्डिंग। BJP के क्रिटिक्स अक्सर हमेशा पॉइंट आउट करते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी 24/7 कैसे कैंपेन मोड पर रहते हैं। जब भी देखो वो कोई ना कोई अपनी पॉलिटिकल रैली कर रहे होते हैं, पॉलिटिकल कैंपेन कर रहे होते हैं। ये पॉइंट ऑफ क्रिटिक्सम तो है, यही एक चीज़ है जो BJP के एडवांटेज में भी चली जाती है। जब देखो प्रधानमंत्री का चेहरा हर समय दिखाई पड़ता रहता है तो BJP हमेशा विजुअल रहती है हर जगह। प्रोएक्टिव रहने का मतलब ये भी है कि BJP हालतों को समझकर जल्दी रिएक्ट करती है। जैसे कि फार्म लॉ के खिलाफ एक बड़ी मूवमेंट खड़ी हो रही थी, तो BJP ने एक्चुअल में फार्म लॉ को वापस ले लिया था। किसानों को कन्वेंस करने के लिए PM किसान स्कीम के अंडर कैश डिस्ट्रीब्यूट किया गया एलिजिबल फार्मर्स को।
₹6,000 पर। यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि गोदी मीडिया से कैसे फाइट किया जाए। अगर ओपोजिशन पार्टी को इलेक्शन जीतनी है तो क्या किया जा सकता है यहाँ पर गोदी मीडिया से फाइट करने के लिए? इसका जवाब कहीं ना कहीं छिपा है दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने। 2015 के दिल्ली इलेक्शन में से ठीक पहले एक ऐसा नैरेटिव बैठाने की कोशिश करी गई थी मीडिया में कि अरविंद केजरीवाल एक नक्सल हैं, और यही चीज़ 2020 इलेक्शन में भी करी गई थी दिल्ली इलेक्शन से ठीक पहले। अरविंद केजरीवाल एक टेररिस्ट हैं, ये एक छोटी मोटी स्टेंट हेडलाइंस नहीं थी। अगर आप न्यूज़ हेडलाइंस पर वापस जाकर देखोगे तो इलेक्शन से ठीक 5-6 दिन पहले ये हेडलाइंस हर जगह देखने को मिल रही थी, और यही चीज़ 2022 में भी देखने को मिली जब पंजाब में इलेक्शन हुए। इलेक्शन से ठीक 3-4 दिन पहले किसी ने उठकर यहाँ एलिगेशन लगाना शुरू किया कि अरविंद केजरीवाल एक खालिस्तानी है, और हर जगह मीडिया इसी चीज़ को बार बार चलाया गया, नैरेटिव बैठाने की कोशिश करी गई। लेकिन इन फर्जी नैरेटिव से कैसे बचा जाए, कैसे इनसे फाइट बैक किया जाए, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने टाइम के साथ सीख लिया। सीए की क्या जरूरत थी आप मुझे बताइए सर। आप बताइए, यू आस्क, आप उनकी वकालत कर रहे हैं। मैं किसी की वकालत सर? अब आप देयर आर सर, आपको पाकिस्तानियों की बड़ी प्रॉब्लम पड़ी है, भारत के लोगों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, भारत के अंदर इतनी बेरोजगारी है, हिंदुओं की, क्रिश्चियंस की, पारसीज की, सिखों की, उनकी बेरोजगारी सॉल्व हो गई? आप फिर आपसे उनकी बेरोजगारी सॉल्व नहीं हो पा रही, इसलिए आपने जानबूझ के ध्यान भटकाने के लिए किया। रिलीजियस पोलराइजेशन, किसी भी तरह की रिलीजियस पोलराइजेशन पंजाब में देखने को नहीं मिली, तो लोगों ने धर्म को देखकर वोट नहीं किया। दूसरा पॉइंट, आम आदमी पार्टी की इमेज किसी भी कास्ट या रिलीजियस से नहीं जुड़ी हुई है, बल्कि अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स काम से जुड़ी हुई है। उनके एजुकेशन, हेल्थ केयर, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी पर फोकस रहता है इनका। इनकी अपनी कमियां हैं, लेकिन इसी के बेसिक्स पर इलेक्शन लड़ते हैं और स्कूल्स, हॉस्पिटल्स के नाम पर ही कैंपेन चलाते हैं। हर पार्टी की तरह काम इतना नहीं किया जितना प्रॉमिस किया था, पर हर लेवल पर इन्होंने काम किया वो दिखता है। 2017 में जब पंजाब में इलेक्शन हुई थी तब आम आदमी पार्टी ने कोई चीफ मिनिस्टर फेस का अनाउंस नहीं किया था। दूसरी तरफ कांग्रेस के पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सीएम फेस था अमरेंद्र सिंह के तौर पर, तो कोई हैरानी की बात नहीं थी कांग्रेस ने इस बार ही सीएम फेस का अनाउंस जरूर किया था, लेकिन थोड़ी लेट किया था चरणजीत सिंह चन्ने। और इसके अलावा प्रॉब्लम ये थी कि कांग्रेस में इनफाइटिंग चल रही थी, नवजोत सिंह सिद्धू सीएम फेस बनेंगे या फिर चरणजीत सिंह चन्ने, और ऐसा ही राजस्थान विधानसभा में होने वाला है, और यही कारण है कांग्रेस पार्टी के बिखरने का। प्रेजेंट में कांग्रेस पार्टी को एक अच्छे लीडर की जरूरत है जो इन हालात को संभाल सके और पार्टी का अच्छा मैनेजमेंट कर सके। फाइनली आम आदमी पार्टी जो कैंपियन है वो अपने मकसद में बहुत क्लियर है। उनका कैंपियन स्लोगन है एक मौका केजरीवाल ने, यानी एक मौका दो केजरीवाल को। हमें एक इन सब नतीजों का मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी बन चुकी है इंडिया में आफ्टर बीजेपी, INC, TMC। अगर हम नंबर ऑफ MLA से देखें तो किस पार्टी के कितने हैं, किस पार्टी के कितने चीफ मिनिस्टर हैं, तो अब कांग्रेस के पास सिर्फ अपने 2 CM हैं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, और आने वाले टाइम में आपके लिए सबसे मुश्किल चीज़ ये रहेगी कि जिन भी स्टेट्स में वो इलेक्शन लड़ेंगे वहाँ के लोगों को कन्वेंस करना होगा कि एक्चुअल में वो जीत सकते हैं। गोवा और उत्तराखंड में भी आपने इलेक्शन लड़ी थी, लेकिन वहाँ पर वोट शेयर 52-60% के बीच में ही था। उस स्टेट में रहने वाले लोगों को विश्वास दिलाना होगा कि एक्चुअली में आपका चांस है इलेक्शन जीतने का, सरकार बनाने का। एक बार ये पॉइंट अगर क्लियर हो जाए तो इनके लिए जीत हासिल करनी बाकी राज्यों में आसान होगी, क्योंकि इनके पास बाकी पार्टियों की तरह कोई पुराना पैकेज नहीं है कास्ट का, रिलीजियस का, यहाँ पर इनकी छवि नहीं बनी हुई है, तो हर कम्युनिटी से वोट मिलना कॉमनली आसान हो जाता है।